Assalamualaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talaba, आज हम Divisional Public School and Inter College Sahiwal में 9th class Computer Science का 9th lecture attend करेंगे. आज के इस lecture में Unit number 2 बाइनरी सिस्टम है. इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है. एक दफा फिर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या काम करना है. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. द नंबर सिस्टम दैट ओनली कंटिन्यूज वंस एंड जीरोस is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, and so many uses of computers are there. But we can define that what we have to do in this chapter. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. Aziz Talaba, इस चैप्टर में हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से वंस और जीरोस की मदद से अपने इंटरनल सिस्टम को अप्लाई करता है यूजर के लिए, और यूजर किस तरह से अपनी लैंग्वेज ए बी सी या 1 2 3 या जो बोलता है या जो मूव करता है या जो दिखा रहा है या जो प्रोसेसिंग कर रहा है या जो कैलकुलेशन कर रहा है, वो सारे का सारा यूजर तो अपनी मर्जी से कंप्यूटर पे कर रहा है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कर रहा है. लेकिन कंप्यूटर किस तरह से अपने अंदर बाइनरी सिस्टम की मदद से क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह से वो दिया हुआ डाटा स्टोर कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से कर रहा है, हम तक अपना डाटा किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहुंचा रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. अब जरा इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं. अब यूनिट नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है पहले लेक्चर के अंदर. इस चैप्टर का जो 8th लेक्चर था, मींस के हमारा टोटल 8th, और इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम को या इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ. आज के दिन, आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कन्वर्जन की जाती हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में. आने वाले दिनों में हम लोग मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज को डिस्कस करेंगे, इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इसको भी डिस्कस करेंगे, और बूलियन अलजेब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर है नंबर सिस्टम कन्वर्जन. वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वॉइस वर्सा. टुडे वी विल डिस्कस कन्वर्जन अमंग डिफरेंट नंबर्स. अब वो डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से हैं, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. ये दो कन्वर्जन को आज हम डियर तलबा डिस्कस करेंगे, किस तरह से करते हैं, किस तरह से आंसर निकालते हैं, इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये सारी चीजें आप जरा नोट करते जाइएगा. बड़ा ही आसान सिस्टम है, कन्वर्जन बड़ी आसान है. पिछले सालों में मैथ्स के अंदर आप इन चीजों को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बस यहां पर थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. सबसे पहले हम करते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम. टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड टेक क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. क्वोशेंट और रिमाइंडर को हमने जहन में रखना है. वी कंटिन्यू डिवीजन द क्वोशेंट बाय 2 अंटिल वी गेट क्वोशेंट 0. वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर
टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी। अब जरा एक एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होगा। हमारी बुक की एग्जांपल है, बुक में ये एग्जांपल दी हुई है, कन्वर्ट 156 बेस 10। अजीज तलबा ये जहन में रखें कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम, ये तीन नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम था उसकी बेस थी 10, मींस के डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स या न्यूमरल्स 10 थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 बनते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है 156, जिसके नीचे बेस दी हुई है 10 टू बाइनरी। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना। पहले एक दफा जरा हम लोग इस टेबल को शो करवाते हैं कि किस तरह से इस टेबल में हमने इसको प्रेजेंट किया है। ये देखें 156 हमारे पास एक्चुअल डेसिमल वैल्यू है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 78 क्वोशेंट आ जाएगा। और क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है इसलिए रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा रिमाइंडर की जगह पे। अब जब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, यहां पर भी रिमाइंडर नहीं बचा, क्वेश्चन जो है हमारा वो 39 आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, जब 39 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 19। अब क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 38 या 40 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना था और रिमाइंडर कुछ नहीं बचना था। अब क्योंकि 39 है, 39 का रिमाइंडर जिस वक्त हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 19 के आगे डैश डाल के 1 डालना होगा। फिर इसी तरह से जब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, मींस के क्वेश्चन आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 1। जी 9 को जिस वक्त हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा 4 और 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब जहां पे रिमाइंडर हमने लिखा हुआ है वहां पर अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता तो फिर 0 मेंशन करते हैं, और 2 के साथ जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो या 0 आता है या 1 आता है, इसके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। फिर 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। और जब 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम ये डिवाइड होगा, यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा 1 और 0 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, मींस के ये 1 ही रह जाएगा। अब जरा देखें हमारा आंसर किस तरह से बनेगा। हमने जो लेफ्ट साइड पे एग्जांपल और उसकी स्टेटमेंट दी हुई है उसके नीचे देखें जरा आंसर लिखा हुआ है, वो आंसर किस तरह से बनाया गया है। लेफ्ट साइड से राइट साइड को चलेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे और 1 को लिखेंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे। अब 1 0 0 1 1 1 0 0, ये आंसर बन जाएगा 156 का। अजीज तलबा डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हमने कन्वर्ट किया तो फिर जो क्वेश्चंट है उसको नीचे लिखते जाएंगे उस वक्त तक जब तक वो 0 नहीं हो जाता, और रिमाइंडर उसकी राइट साइड पे 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट रिमाइंडर होगा वहां से आंसर को लिखना शुरू कर देंगे। सबसे नीचे लास्ट पे जो रिमाइंडर आया है 1, वहां से लेफ्ट साइड से हम लोग अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे, और लेफ्ट पे 1 आ जाएगा, फिर उसके साथ राइट साइड पे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 0। ये था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका का। आप लोग इसकी एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को मेरा ये ख्याल है कि इंतहाई आसान लगा होगा और आप लोग घर पे इसको आसानी से कर भी सकते हैं। फिर इसी तरह से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, पहले तो हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था ना, अब बाइनरी की बेस है 2, बाइनरी में टोटल डिजिट्स हैं 2, 0 और 1, जिसको न्यूमरल्स कहते हैं 0 और 1, तो हेक्साडेसिमल की बेस है 16, तो इसके अंदर न्यूमरल्स कितने हैं 16,
कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ, ये टोटल मिला के 16 बनते हैं। अब जरा इसकी कन्वर्जन की स्टेटमेंट को देखते हैं एक दफा। एज वी हैव स्टडीड दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस्ड 16, सो फॉर कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वी डिवाइड द नंबर बाय 16, कि जो वैल्यू हमें दी जाएगी ना कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल की, उसको 16 से डिवाइड करेंगे, जैसे बाइनरी में 2 से डिवाइड किया था, एंड टेक बोथ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो जारी बात है उसी तरतीब से क्वेश्चन और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे, वी कंटिन्यू डिविजन द क्वेश्चन बाय 16 अंटिल द क्वेश्चन बिकम 0, कि क्वेश्चन उस वक्त तक लेते रहेंगे जब तक कि वो 0 ना हो जाए। इसकी तरह एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपके बुक के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल को हम लोग पहले जरा पढ़ते हैं। कन्वर्ट 69610 बेस 10, मींस के ये डेसिमल वैल्यू टू हेक्साडेसिमल, कि ये डेसिमल वैल्यू है इसको हेक्साडेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है। और ये जो टेबल 2 और 3 शोज द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट रिमाइंडर ए इज रिप्रेजेंट ऑफ 10, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में हम लोग इस टेबल को भी डिस्कस करेंगे कि वो टेबल है क्या, वो किस तरह से आप लोगों ने याद करना है। अभी हम जस्ट इसकी कन्वर्जन का वे आउट देखते हैं। देखें 69610 ये डेसिमल वैल्यू है, इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे, जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4350 क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 10, 10 है इक्विवेलेंट ए के। अभी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 10 जब आता है तो वो ए आएगा, 11 जब आता है तो वो कैपिटल बी आएगा, 12 जब आता है तो वो कैपिटल सी आएगा, 13 जब आता है तो वो कैपिटल ई आएगा, 14 जब आता है तो कैपिटल डी आएगा और 15 जब आता है तो कैपिटल एफ आएगा। तो यहां पे 10 आया है, उस 10 की जगह पे ए मेंशन किया है क्योंकि हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई एफ न्यूमरल्स के तौर पर शामिल है, तो ये 10 की बजाय ए हमने यहां पे लिखा क्योंकि ए रिमाइंडर आया है। अब जो क्वेश्चन आया 4350, इसको अगेन जब 16 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आएगा 271 और रिमाइंडर आएगा ई, ई इक्विवेलेंट टू 14। अब वहां पे रिमाइंडर 14 आ रहा है लेकिन हमने उसको ई मेंशन किया। फिर इसी तरह से जब क्वेश्चन आया है 271 को 16 से डिवाइड करने के बाद 16, तो 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड तो होगा 1 के साथ लेकिन पूरी पूरी वैल्यू दे देगा एफ। अब एफ हमारे पास रिमाइंडर आ गया और 1 हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब जिस वक्त 1 क्वेश्चन आया है तो 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इस तरह से जब हम इसको पूरे का पूरा डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमारे पास वही नीचे सबसे नीचे जो फर्स्ट रिमाइंडर है, यानी कि सबसे नीचे से जो रिमाइंडर सबसे आखिरी वाला है, उसको हम लोग आंसर में सबसे पहले लिखेंगे। आंसर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में सबसे नीचे दिया हुआ है 1 0 F E A base 16, ये आंसर दिया हुआ है। अब यहां पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर F को लिखेंगे, फिर E को और फिर A को, ये हमारी आ जाएगी हेक्साडेसिमल वैल्यू आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल वैल्यू। अजीज तलबा ये जहन में रखें कि आप जिस नंबर सिस्टम में आंसर निकाल रहे हैं उस नंबर सिस्टम की बेस लाजमी मेंशन करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे जो सबसे नीचे आंसर दिया हुआ है ना 69610 बेस 10 इज इक्वल टू 10 FEA base 16, तो ये हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का तरीकाकार देखा। अभी तक हमने डेसिमल से बाइनरी में और डेसिमल से
हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का तरीका कार देखा। अब जरा इसको रिवर्स करते हैं कि अगर बाइनरी की वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वहां पर डिवीजन था इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, वहां पे रिमाइंडर था यहां पे पावर आ जाएगी। अब देखें किस तरह से टू कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये देखें ये एग्जांपल बुक से दी गई है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना वहां से इसको मैंने कोट किया। एग्जाम्पल है जी कन्वर्ट 1000001 बेस 2 टू डेसिमल के बाइनरी की वैल्यू है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब इसमें जो तरीका कार दिया गया है वो तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू लिखें जो आपका क्वेश्चन है उसकी। अब क्वेश्चन में पहले 1 आ रहा है तो यहां पे भी पहले हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्या है, ये बेस है, हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। पावर कितनी है उसकी 6, ये पावर किस तरह से आई, देखिए जितनी बाइनरी की वैल्यूज हैं उनमें से एक माइनस कर दें पावर आ जाएगी। अब बाइनरी की वैल्यूज कितनी है टोटल 7, तो सबसे पहला जो डिजिट है उसके साथ जब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर -1 कर देंगे ना, अगर पावर को मीन्स के जितनी वैल्यूज हैं उनमें से एक माइनस किया 6 रह गई तो पावर आ गई 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना, नहीं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया पावर 2 हो गई 4, यानी कि 4 इक्वलेंट टू 2 पावर 2, फिर आ गया 8 दैट इज इक्वलेंट टू 2 पावर 3, फिर आ गया 16 दैट इज इक्वलेंट टू 2 पावर 4, फिर आ गया 32 दैट इज इक्वलेंट टू 2 पावर 5, फिर आ गया 64 दैट इज इक्वलेंट टू 2 पावर 6। तो ये 64 सेकेंड लाइन में आपको नजर आ रहा होगा। अब जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ही आएगा, लेकिन उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 अभी मैंने आपको बताया 32 आता है, 32 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, अब ये बनता तो 16 है लेकिन जब 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, अब 2 पावर 3 बनता है 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 0। इसी तरह से नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब मैंने बताया था 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। फिर इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, 2 पावर 1 इक्वलेंट टू 1 होगा, जिसकी पावर 1 होगी वो 1 बन जाएगा। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, 2 पावर 1 का मतलब है 2, जिसकी पावर 1 होगी वो वाला डिजिट नॉर्मल वही रहेगा। तो 2 पावर 1 का मतलब है 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0। और लास्ट देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। अजीज तलबा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ये मैथ का रूल है। बेशक 100 पावर 0 है, 2000 पावर 0 है, 9 पावर 0 है या 1 पावर 0 है, तो 2 पावर 0 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें प्लस में 1 मेंशन कर दिया। अब 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 0 प्लस 1, तो ये 5 दफा 0 प्लस किया और एक दफा 1 प्लस किया 64 के साथ, आंसर आ गया हमारे पास 65। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है बाइनरी टू डेसिमल की। अब इस एग्जांपल को जरा हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में क्या किया, राइट डाउन दी बाइनरी नंबर विच इज 1000001 बेस 2 इन दिस एग्जांपल, ठीक है जी लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 है, लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट
स्टार्टिंग विद जीरो। अब देखें राइट टू लेफ्ट, अब अगर राइट साइड पे देखें तो टू पावर जीरो है, तो आपने जीरो से शुरू करना है और ऑनवर्ड चलते जाना, ये ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यूज होंगी उनमें से एक कम बना के पावर दे देगा। तो स्टेप नंबर टू को मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, लिस्ट द पावर्स ऑफ टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद जीरो। इन दिस एग्जाम्पल द पावर ऑफ टू स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड्स एट सिक्स, तो सिक्स तक जाके एंड होगी। फिर उसके बाद स्टेप नंबर थ्री है, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूं जो ऊपर एग्जांपल मैंने आपको बताई है। स्टेप नंबर थ्री में क्या आ गया, मल्टीप्लाई टूज कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यूज, कि जितनी भी बाइनरी वैल्यूज दी हुई हैं उनको टू से मल्टीप्लाई करते जाना है। मींस के टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर मल्टीप्लाई बाय टू, एट मल्टीप्लाई बाय टू, सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय टू, थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय टू, सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई बाय टू, 128 मल्टीप्लाई बाय टू, इस तरह से ये पावर बढ़ती जाएगी टू की। तो मल्टीप्लाई टूज कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यू। इन द अबव एग्जांपल देयर आर सेवन बाइनरी वैल्यूज, तो सेवन बाइनरी वैल्यूज थी, सेवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे सेवन हमारे पास आंसर्स आए हैं जिनको हमने प्लस किया, जिनमें से पांच जीरोज हैं, एक 64 है और एक 1 है। अब स्टेप नंबर 4, कंप्यूट ईच वैल्यूज, उन तमाम वैल्यूज को आपने कंप्यूट करना, मींस के उनको ऐड करना, और उसके बाद ऐड ऑल वैल्यूज, आपने सब वैल्यूज को ऐड कर लेना, मींस के 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। जब ये कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 बेस 10। ये था बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अजीज तलबा, इस नंबर सिस्टम में जो बातें जहन में रखने वाली हैं वो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है। अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो फिर बाइनरी की जो बेस है उसको पावर के साथ जितनी भी बाइनरी की वैल्यूज है उनको 1 by 1 मल्टीप्लाई करना। ये था बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जरा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल को डिस्कस करते हैं। आसान है, बहुत आसान है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मेथड वही है जो बाइनरी वाला था। द मेथड फॉर दिस कन्वर्जन इज सेम एज कन्वर्टिंग फॉर बाइनरी टू डेसिमल एक्सेप्ट द बेस वैल्यूज। देखो बेस वैल्यूज मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि जो बेस वैल्यूज है उसकी 2 थी, इसकी 16 है, बस वो एक्सेप्ट है, बाकी सारे का सारा मेथड वही है। सिंस हेक्साडेसिमल हैज बेस 16 द प्लेस वैल्यूज कोरेस्पोंड टू द पावर ऑफ 16, कि जो आपने प्लेस वैल्यूज हैं वहां पर 16 लिखना है। टू कन्वर्ट टू डेसिमल मल्टीप्लाई ईच प्लेस वैल्यू बाय द कोरेस्पोंडिंग पावर्स ऑफ 16, कि जो 16 की जो भी पावर बनती है उसको आपने पावर सॉल्व करके जो वैल्यू बनती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। स्टार्ट दिस प्रोसेस बाय राइटिंग द पावर्स ऑफ 16 नेक्स्ट टू द डिजिट्स ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये देखते हैं एक एग्जांपल को, ये एग्जैक्ट वैसी एग्जांपल है जैसे हमने अभी बाइनरी सिस्टम में डिस्कस की। हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है C9 2 1 base 16, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब C सबसे पहली वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 16, 16 उसकी बेस है, पावर 3। अब देखो टोटल वैल्यूज है 4, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी वैल्यूज है उनमें से एक आपने कम कर लेनी है वो आपकी पावर बन जानी है। अब कितनी वैल्यूज है, 4, तो 16 की पावर बन जाएगी 3। फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 16, यहां पे पावर आ जाएगी 2। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यहां पे पावर आ जाएगी 1। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 0। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अवेलेबल है, सी भी है इसके अंदर। सी किसके इक्विवेलेंट है, दोबारा मैं बताने लगा हूं, ए 10 के इक्विवेलेंट है, बी 11 के इक्विवेलेंट है और सी 12 के, तो यहां पे आ जाएगा सेकंड लाइन में 12 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 3। बाकी रिमेनिंग सारी की सारी सीरीज वही रहेगी जो ऊपर वाली लाइन में आई है, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। अब थर्ड लाइन में आएगा, थर्ड लाइन में
12 मल्टीप्लाई बाय, अब वो 16 पावर 3 जो था ना उसका आंसर आया है 4096। किस तरह से? 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर आएगा 256। 256 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर आएगा 4096। अब जो 4096 है उसको मल्टीप्लाई करना हमने 12 के साथ। अब जो नेक्स्ट था ना 9 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2 का मतलब है 256, तो वो 256 आ गया। फिर नेक्स्ट थर्ड वैल्यू के साथ हमने जब किया था 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 था, तो जिसकी पावर 1 होगी वो ऑटोमेटिकली वही डिजिट रहेगा या वही वैल्यू रहेगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रह जाएगा। और लास्ट डिजिट था या लास्ट वैल्यू थी 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 था, मैंने अभी आपको बताया था जिसकी पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगा, बेशक वो 2 की पावर 0 है, बेशक वो 1000 की पावर 0 है, बेशक वो 9000 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होगी वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये जो चार वैल्यूज थी इन चारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4096 आंसर आ जाएगा 49152, और 9 मल्टीप्लाई बाय 256 आंसर आ जाएगा 2304, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा 32, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आ जाएगा आंसर 1। इन चारों वैल्यूज को अब हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51489 base 10। ये हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका का। अजीज तलबा, ये हम लोग कंप्यूटर साइंस में डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0-1 या बाइनरी लैंग्वेज, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डेसिमल लैंग्वेज, तो कंप्यूटर से हमारी लैंग्वेज में कोड किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये है तरीका का। और हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर में कन्वर्ट कैसे होता है, ये जो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन की है ये तरीका कार है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर से ह्यूमन लैंग्वेज में और ह्यूमन से कंप्यूटर लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्जन होती है। अब एक छोटा सा हम लोग टेबल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, इसकी आपको मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर कुछ मेंशन भी किया था इसके बारे में। इस टेबल है 0 से लेकर 20 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनका बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का। सबसे पहला कॉलम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इनको सेकंड कॉलम में 1 by 1 बाइनरी में कन्वर्ट किया। 0 का बाइनरी 0 आएगा, 1 का बाइनरी 1 आएगा, 2 का बाइनरी 10 आएगा, 3 का बाइनरी 11 आएगा, 4 का बाइनरी 100 आएगा, 5 का बाइनरी 101 आएगा, 6 का बाइनरी 110 आएगा, 7 का बाइनरी 111 आएगा, इसी तरह से 8 का 100 और 9 का 1001 और 10 का 1010 आएगा। अब जो थर्ड कॉलम है ना हेक्साडेसिमल ऊपर लिखा हुआ है, अभी देखिए 9 तक तो जो डेसिमल वैल्यूज हैं वही वाली हेक्सा क्या लाएंगी, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वही वाले 9 तक आ गए, जहां पे 10 लिखा हुआ है वो हेक्साडेसिमल में A के इक्विवेलेंट आ गया। अब जहां पे कॉलम नंबर 4 को देखें आप लोग, डेसिमल दोबारा लिखा हुआ है, ये जो रिमेनिंग 10 के बाद वैल्यूज आ रही है ये वो है। अब जो 11 है, 11 का बाइनरी आगे दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ, 13 का दिया हुआ, 14 का दिया हुआ, 15 का, 16, 17, 18, 19, 20 इसके बाइनरी दिया हुआ है और हेक्सा भी दिया हुआ है, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई और 15 का एफ। उसके बाद ये दोबारा फिर 10 से शुरू हो जाएगा, 16 का 10, 17 का 11, 18 का 12, 19 का 13, 20 का 14। आप इसको डेसिमल टू हेक्सा डिवीजन मेथड के तहत कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अजीज तलबा, आज का हमारा लेक्चर था कन्वर्जन्स के मुतालिक, जिसके अंदर हमने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, फिर हेक्सा से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करने का तरीका कार देखा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनको क्रॉस करेंगे। क्रॉस से मुराद ये है कि बाइनरी से हेक्सा में या हेक्सा से बाइनरी में। अभी तो हमने डेसिमल के साथ इसको किया है ना, हेक्सा से डेसिमल में या डेसिमल से हेक्सा में किया है, लेकिन आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे
वो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला घर पे करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है इसका आंसर और इसका तरीका कार। कॉपी के ऊपर आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, मैं फिर उसको चेक करके आपको बताऊंगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल वैल्यूज टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई है ना, इनको बाइनरी में भी और हेक्सा में भी कन्वर्ट करना। और ये डेसिमल की वैल्यूज है, ऊपर मेंशन किया हुआ, इसलिए बेस नहीं दी हुई। 2349 पहली है, 69610 दूसरी है, और 4444 तीसरी। ये तीनों को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और हेक्साडेसिमल। अजीज तलबा, आप लोग ये जहन में रखें कि घर पे बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाला चैप्टर इंतहाई आसान लगेगा। खाली सुन लेने से आपको समझ नहीं आएगी, आपने कागज पेंसिल के साथ इसके ऊपर काम भी करना है। अपने बुक को खोलें, वहां पे जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं उन एग्जांपल्स को देखें, और देखने के बाद खुद एक दफा अपनी कॉपी के ऊपर या अपने रजिस्टर के ऊपर अपने पेन की मदद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं है। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।